नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। डग विधानसभा प्रत्याशी चेतराज गहलोत ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार के नेतृत्व में भवानी मंडी ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी चेतराज गहलोत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिलावली, बिलावली का खेड़ा, कुटकी, गुराड़िया देवड़ा, किटकिया, निशलखेड़ी, छायन, अन्या, खसरूखेड़ी, लाखाखेड़ी, दल की पालिया, डोकरखेड़ी, मजनपुर, टोकड़ा, हरमतिया, हरमतिया रत्ना, रावण गुराड़ी, पड़ासली, देवबर्रा, सेडला, सोमचड़ी, भड़का, मकोड़िया, छपिये, सेमली, गहलोत, चकनी, रातीघेड़ी, निपानिया झाला, हन्नीखेड़ा, रापाखेड़ी, भाटाखेड़ी ग्राम में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने सभी ग्रामीणों से कांग्रेस को मतदान करने की अपील की है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने प्रत्याशी का माला पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क में ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार, प्रदेश सचिव चंद्र सिंह राणा, लक्ष्मण सिंह पवार, सरपंच राकेश मकवाना दर्पण, पार्षद पूर्व सरपंच हरीश रोजा, पूर्व सरपंच रोड सिंह गुंडीखेड़ा, सरपंच रामचंद्र, मंडल अध्यक्ष लोकेश गुप्ता एडवोकेट, सरपंच बहादुर सिंह गुजर, दिलीप गुप्ता, राम सिंह ढाकर, ब्लॉक उपाध्यक्ष कालू सिंह, श्याम सिंह एडवोकेट आदि कार्यकर्ता जनसंपर्क में साथ रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि लोल्ला मोल्डा गांव के समीप वेश्याओं द्वारा देह व्यापार किया जा रहा है। इसके बारे में प्रशासन को पूर्व में भी सूचित कर दिया गया, लेकिन हमारी समस्या की ओर से कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही कोई हमारी समस्या का कोई संतोषजनक जवाब मिलता है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी दिनांक 25 नवंबर को मतदान का बहिष्कार करेंगे। उनेल डग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामचंद्र सुनारीवाल ने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत उनेल कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर जैन मंदिर से भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर की। इसके बाद कस्बे में उनके चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनके चुनाव प्रचार में भाजपा के क्षेत्र के कई बड़े नेता भी दिखे, जिसमें डग से हरमत सिंह, भवानी मंडी से जालम सिंह, चौमेला से नरेंद्र सिंह गट्टू बना सहित आधा दर्जन कई भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ दिखे। उन्हें जनसंपर्क के बाद सुनारीवाल सहित्रा, डोकरा खेड़ा, बिलखेड़ी, चारा, वर्डिया, हीरी सहित करीब एक दर्जन गाँव का दौरा कर लोगों से मिले, जहाँ ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर, ये आज आपने क्या चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया क्या? आज जनता द्वारा खड़े की जनता के उम्मीदवार मैं रामचंद्र सुनारीवाल, भगवान पार्श्वनाथ उन्हें नागेश्वर के यहाँ से मैंने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया, आगाज किया है और जनता जनार्दन होती है, जनता का पूर्ण भरपूर आशीर्वाद है और निश्चित रूप से भगवान पार्श्वनाथ के अनुग्रह से, बड़ों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की कृपा से, युवाओं के जोश से, सबके जज्बे से मुझे पूरा विश्वास है कि हम विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। रायपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमली खाम के गरावड़ा गांव में रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कनिष्ठ लिपिक शिवम पाटिल राव ने बताया कि ग्राम पंचायत सेमली खाम के ग्राम गरवाड़ा में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली बनाई गई, जिससे मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पाटिल राव नवयुवकों व महिलाओं को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्यथा किसी भी प्रलोभन में आकर मतदान करने की बात कही है। नवयुवकों ने कहा कि हम सभी मिलकर अपने मोहल्ले में मतदान के लिए सभी को जागरूक भी करेंगे, साथ ही सभी से संकल्प पत्र भरवाए गए। पिड़ाव में मंगलवार को स्टेट बैंक सामने स्थित निजी भवन में झालरापाटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजे को भारी मतों से विजयी बनवाने का आह्वान किया, साथ ही कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने की बात पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि पिड़ावा नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 70 बूथों पर ही राजे जीत दिलानी है। इस दौरान राज्य द्वारा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। इसके बाद शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्षों की बैठक ली गई। इस अवसर पर झालरापाटन विधानसभा प्रभारी अवधेश सिंह, विस्तारक अरविंद सिंह हाड़ा, जिला प्रमुख प्रेम भाई डांगी, प्रधान सीता भील,
जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, उपाध्यक्ष नारायण सिंह कैलाश दांगी, बाल किशन जमींदार, कोषाध्यक्ष राजेन जैन, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी, हरिमोहन शर्मा, जीवन रंजन, नगर मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर के वार्ड नंबर 5 के श्रीजी नगर के रहवासियों का कहना है कि नेता आते हैं, बड़ी बात करते हैं, वोट लेते हैं, पलट कर नहीं देखते हैं। हमारे द्वारा पिछले 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 2 नगरपालिका चुनाव में नेताओं के वादों में आकर वोट दिए गए थे ताकि हमारी कॉलोनी का विकास हो सके, लेकिन हमारी कॉलोनी पर अवैध व अविकसित कॉलोनियों का तमगा लगा होने के कारण नगरपालिका द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, जबकि कॉलोनीवासी द्वारा नगरपालिका में सफाई कर, प्रकाश कर, विद्युत कर, उपकर सहित सभी कर दिए जाते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता। इस कारण से इस बार कॉलोनीवासियों ने फैसला लिया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग ना करते हुए मतदान का बहिष्कार करेंगे। मंदसौर 5 दिवस पश्चात दीपावली त्यौहार है। इस त्यौहार पर फटाखे फोड़े जाते हैं। फटाखे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कॉलेज ग्राउंड में फटाखा मार्केट सजाए गए। फटाखा मार्केट की पूरी व्यवस्था नगर पालिका की टीम द्वारा की गई। फटाखा मार्केट में किसी प्रकार की अप्रिय घटना निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए। फटाखा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस दिवाली पर अधिक फटाखे बिकने की संभावना है। मंदसौर कार्तिक माह में लगने वाला पशुपति नाथ महादेव कार्तिक मेले में झूले चक्री वालों का आना प्रारंभ हो गया है। वे अपने झूले के उपकरणों को लेकर मेला ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मेले लगाने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति अनिवार्य है। नगर पालिका ने प्रेसिडेंट कौंसिल व परिषद से मेले की अनुमति प्राप्त कर ली है। निर्वाचन आयोग से अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण नगर पालिका पुनः एक बार पत्र लिखा जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करो। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मैसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी, निर्मित मावे की
मिठाइयां मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।